हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीनाक्षी सिद्धार्थ दयाज व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो भाई टमाटर हो गए हैं महंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबके साथ ना बिना टमाटर वाली सब्जियों की रेसिपीज शेयर करूँ। तो आज जो है फास्ट भी है, तो कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का है। तो जिन लोगों का नहीं है वो लोग सब्जी रोटी खाएंगे, और जिनका फास्ट है तो वो तो कुछ भी खाएंगे। जो मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मतलब फास्ट वाला ही खाना बनेगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज जीरा आलू की रेसिपी शेयर कर दूंगी, जो कि बिना टमाटर बनाते हैं और अच्छी भी लगती है। तो देखो प्रिपरेशंस, मैंने आलू को वॉश कर लिया है। वॉश करके अभी मैं सीटी लगवा दूंगी, इनको बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करते हैं। तो फाइनली आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, और अब इनका छिलका उतारने की बारी है। छिलका उतारने के बाद इनकी कटिंग करके मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आलू को जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, अब ये जाएंगे फ्रिज में। तो आज हम बीकेडी का सेंधा नमक यूज़ कर लेते हैं। चलो भाई हमारे चेक कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र में ही रख दिए थे क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। ये देखो, ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तेल गरम होने वाला होगा अभी। आलू को ऐसे ऐसे क्यूब्स में काटा हुआ है मैंने, सारे बराबर हैं। तो गैस तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें जाएगा 2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा मैं अजवाइन भी डालूंगी, और इनके चटकते ही मैं इनमें आलू डाल दूंगी, जो ये चटकना शुरू हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे मैं अभी आलू डाल देती हूँ। तो गाइस ये देखो आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, और जीरा को ना बस सुनहरा ही करना है, ज़्यादा काला मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। और ये परफेक्ट था कि ये सुनहरा होते ही मैंने जीरा चटकते इसमें मैंने डाल दिए आलू। अब आलू को ना हल्का हल्का कलर आने देंगे हम, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन अगर इस पर शेड आने लगेगी ना, उसी टाइम पे फिर मसाले डालेंगे। पहले मसाले डाल देंगे तो मसाले जल जाएंगे। दिखाती रहूँगी मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या डालूँगी आगे। तो वैसे ये देखो गोल्डन कलर जो है आलू के आना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे हमने हल्दी डालनी है। पहले हल्दी इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि हल्दी फिर काली हो जाती है, कड़वा टेस्ट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। आलू बॉयल थे तो ऑलरेडी पके हुए हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा शैलो फ्राई भी नहीं बोल सकते, हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आना चाहिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसमें जाएगी हल्दी, दो चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो भाई अब जो है नमक डालने की बारी आ गई है, तो इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और बारिश आ गई है भाई बाहर, सावन में इस बार मज़ा आ रहा है। बारिश आ गई मम्मी, मोटी मोटी। तो नमक टेस्ट के हिसाब से, नमक जो है मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। अभी रेड चिलीज़ की बारी आ गई है, जो कि मैंने बारी बारी काट के रखी है। भाई सर्दियों में ना हमने जो है, सर्दियों में कसूरी मेथी तो हम डालते ही हैं लास्ट में, लेकिन हमने मेथी को सुखा के रखा था, वो आज काम आ गई और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने लास्ट में अब गर्म मसाला और मेथी डाल दी है सूखी हुई, कसूरी मेथी भी थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें, तो उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन चिलीज़ भी क्रंची क्रंची काफ़ी अच्छी लगती हैं। थोड़ा अब इसको 1 चम्मच घी डाल के मैं ढक के पकाऊंगी। तो गाइस घी मैंने अभी अभी जस्ट डाला है, और बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो
तो ये देखो बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है लास्ट में और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो टेस्ट करने की बारी है, आप भी बना के देखो, बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। और अच्छी बात ये है कि टमाटर महंगे हैं तो टमाटर के बिना बनी है। शाखा देखो क्या बने हैं, है ना, फोन है आए, 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 आए। ओ खाली है हमारी खाली है ओ आजा ओ ओ कितनी ऊपर खो दिया करंट आ जाए इसमें फोन 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 आजा ले पकड़ ले बड़े कहाँ बना रहा मेरे ले 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 पकड़ ले साकू